चलिए सर अगले सवाल पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। बच्चे पूछ रहे हैं सर कितने सवाल करने हैं, देखो जितने हो सकते हैं करेंगे ईमानदारी के साथ। चलिए ध्यान दीजिए, बोर्ड पे ध्यान दो यार, फोकस आप, एग्जाम 15-20 दिन बाद आपके एग्जाम है, नींद आनी नहीं चाहिए, आप सोए जा रहे हो और क्लास में बात करे जा रहे हो। कहता है थर्ड क्वेश्चन है, कहता है एक्स हैज अ रेजिडेंशियल हाउस, एक्स के पास रेजिडेंशियल हाउस है, इनहेरेंट मतलब विरासत में मिला है फ्रॉम हिज फादर, अपने पिताजी से इसको एक घर मिल गया विरासत में जो कि इसके पिताजी ने खरीदा था 1998 में। इट वॉज कंस्ट्रक्ट एट कॉस्ट, और इसको बनाया गया था 7,50,000 बाय हिज फादर, और 96 में इसके पिताजी ने इसको बना के भी दिया है। एडिशनल वर मेड एक्स 2003, अब एक्स ने क्या करा कि 2003 में उसमें और खर्चा करा सर, यानी कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट आ गया ये वाला। लेकिन सर 7,50,000 ऑल्सो पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, क्योंकि उसके पिताजी ने घर खरीद लिया उसके बाद उसमें बनाया है, आप जमीन खरीदी है उसके बाद बनाई है, तो इंप्रूवमेंट का पार्ट है, ऐसा नहीं कि घर होगा उसके बाद ही इंप्रूवमेंट होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट की बात करें तो एक तो COI ये वाला पार्ट है, एक सर COI ये वाला पार्ट है, लेकिन मुद्दे की बात है सर लेना कौन सा है कौन सा छोड़ना है। कहता है 1/4 को FMV दे रखा है इसका सर 10 लाख रुपए, एडिशनल वॉर ऑल्सो फैब, एक और फैब में बना लिया भाई, ये बिल्डिंग ऊपर बने जा रहा है और एक और खर्चा कर दिया इसने ये। द प्रॉपर्टी सोल्ड 43 लाख का, प्रॉपर्टी इसने 43 का बेच दिया इन जुलाई 2021। द सेलिंग एक्सपेंस इसका था 35,000 रुपये, सॉरी 35,500। द ब्रोकरेज एक्सेट्रा, ही परचेज एन इधर रेजिडेंशियल हाउस, और कितने का खरीदा सर 3 लाख का मार्च 22 में। कंप्यूट द टैक्सेबल कैपिटल गेन असेसमेंट ईयर 22-23 और कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन दे रखा है। तो देखिए सवाल तो वही है, बस इसके अंदर एग्जामिनर आपसे क्या जानना चाहता है, क्या आपको आता है यहाँ पे प्रीवियस ओनर का कॉन्सेप्ट या नहीं आता है, सिर्फ ये पूछना चाह रहा है। वो अलग बात है कि अगर आपको याद है तो आपको समझ में आ जाएगा कि सर कॉस्ट ऑफ इंडेक्सेशन में क्या लेना है। सबसे पहले सर सेल्स, सेल्स कितने का किया इसने घर को, 43 लाख का। लेस सेलिंग एक्सपेंस कितने, 35,500। नेट सेलिंग कंसिडरेशन 42 सर, माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। मुद्दे की बात यह है, अब इसके पिताजी ने घर 1998 में खरीदा और उसको बनवाया भी 7,50,000 खर्च करके, और हिज फादर इन मे 1996, शायद क्वेश्चन थोड़ा सा कट गया, मेरे ख्याल 96 में इसके पिताजी रहे नहीं होंगे, उसके बाद उसको दे दिया गया जून 13 में, सॉरी इसके फादर ने एडिशनल करा इतने का और द फेयर मार्केट वैल्यू, ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं है क्वेश्चन में। अब देखो 1996 में खरीदा या 1900 कब खरीदा था, 98 में, 96 में उसको मिल गया, वट एवर कब खरीदा, हमारा जो यहाँ पे लेंगे क्या लेंगे सर, FMV लेंगे, सीधी सी बात है, डिवाइडेड बाय 100 इंटू में 317, ठीक है, माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इंप्रूवमेंट। सर कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट दो है, मैंने आपको बताया था अगर इंडेक्सेशन से पहले का इंप्रूवमेंट हुआ तो उस इंप्रूवमेंट को हम नहीं लेंगे, इग्नोर कर देंगे, क्योंकि वो तो प्रॉपर्टी में फेयर मार्केट वैल्यू में जुड़ी गया है, उसके बाद का लेंगे। तो उसके बाद का इंप्रूवमेंट दो है, कौन सा है सर, दो है एक है देख लेते हैं, एक तो ये इंप्रूवमेंट है और एक ये भी तो है, दो इंप्रूवमेंट हो गया। तो सर एक 2003 में है 22-65-24 का, 22-65-24 सर, एक और है वो है हमारा कितने का, 22-12-32 सर। अब हर किसी का ये करा कब है सर, 2003 में, तो 3/4 लगना है, तो 3/4 का 109, ऐसे ही आपको एग्जाम में भी मिलेगा। इसके बाद अगला जो करा इंप्रूवमेंट इसने कब किया है सर, 11 में, तो ये क्या लगेगा, 10/11, ठीक है ना, 10/11 167,
इस क्वेश्चन में एग्जामिनर मजा तब आ जाता है इस क्वेश्चन में सर, एग्जामिनर ना यहाँ पे 11-12 भी दे देता, कुछ बच्चे 11-12 का भी ले सकते थे पर दिया नहीं, अलग बात है, चलो छोड़ो। चलिए बताइए क्या आया, 31 लाख। दूसरा निकालिए, 6 लाख। अगला भाई, बाकी बच्चे भी कंट्रीब्यूट करें क्या, 7-0, 7-0-1। बताइए क्या आया, कितने, 15,000, 767 माइनस। क्या ये इस सवाल में, अब जितने बच्चे कमेंट में भी जवाब देंगे, क्या ये इस सवाल के अंदर, इस क्वेश्चन में किसी एग्जेम्पशन के लिए है? सर पेज नंबर अभी प्लीज मेरे से मत पूछिए, सवाल सामने है, आपको सवाल का आंसर मिल जाएगा। क्या एग्जेम्पशन के लिए है कोई अवेलेबल? तो जवाब है नहीं सर, नहीं एग्जेम्पशन के लिए। हाँ देखो बच्चे कह रहे, ये देखो ये खरीदा है ना, एग्जेम्पशन मिलेगा। 54 कितने, 10, 10 का ही सवाल आएगा कैपिटल गेन, 15 का नहीं आता, तो 10 मार्क्स का। देखिए आप लोगों ने ना ये चीजें सीख लिया है कि सर कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट पहले वाला नहीं लेना, ये नहीं लेना, तो आपको इजी लग रहा है। अगर जिन बच्चों ने नहीं करा, जो बच्चे फर्स्ट क्लास में आए होंगे आज, उनको लग रहा है पता नहीं क्यों नहीं हो रहा, वो अमाउंट क्यों नहीं लिया, तो मैं उन सभी को बोलना चाहूंगा कि पहली वाली जब आप क्लासेस देखोगे ना सारी, एकदम क्लियर हो जाएगा सर क्या चीजें हमें करना है क्या नहीं करना, सिंपल सी बात। एक और क्वेश्चन, आज हम क्वेश्चन पे क्वेश्चन करना है सिर्फ, जिस क्वेश्चन को आप